चलो आज अपन कक्षा चतुर्थी के हिंदी रचना में हम अध्याय क्रमांक 4 जो कि आज का प्रकरण है काल, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमको काल का अर्थ पता होना चाहिए। काल किसे कहते हैं, काल यानी क्या, तो आपके सामने मैंने क्षणपट पे लिख के बताया है कि काल का अर्थ है समय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टाइम, ठीक है ना। काल का अर्थ होता है समय। अब इसकी परिभाषा हमको ध्यान रखनी चाहिए, तो परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से, यानी क्रिया के, समझ में आया ना, क्रिया किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो उसे काल कहते हैं। यानी क्रिया किस समय हो रही है, ठीक है ना, क्रिया हो रही है, क्रिया होगी या क्रिया हो चुकी है, तो यह मालूम अपन को होगा कि क्रिया हो रही है, क्रिया होगी या क्रिया हो चुकी है, तो उसको हम काल या समय कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि काल के, तीन भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, सोचो, काल के तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं, तीन भेद। पहला है
काम चल रहा है, प्रकृति में काम हो रहा है, वह किसमें कहा जाएगा? वर्तमान काल में। जैसे सोहन पत्र लिख रहा है, सोहन पत्र लिख रहा है, ठीक है ना। इसके उदाहरण को हम समझेंगे, सोहन पत्र लिख रहा है, इन सोहन के है को पत्र लिखने का काम हो रहा है, ठीक है ना, लिख रहा है, तो यह किसमें गिना जाएगा? वर्तमान काल में, यानी वर्तमान में वो काम चल रहा है और पहले पहले बड़ा वो काम पूरा हो चुका है, इसलिए वो भूतकाल चल रहा है, वर्तमान काल, ठीक है ना। जैसे दूसरा उदाहरण है, मोहन परीक्षा, मोहन परीक्षा दे चुका है या दे रहा है, दे चुका है सॉरी, दे रहा है, मोहन परीक्षा दे रहा है, यानी काम हो रहा है, ठीक है ना। सोहन पत्र लिख रहा है, काम चल रहा है, हो रहा है अभी वर्तमान में, मोहन परीक्षा दे रहा है अभी वर्तमान में, काम हो रहा है, चल रहा है, इसलिए वह वर्तमान काल में गिना जाएगा, यानी काम हो रहा है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, सो रहा है, दौड़ रहा है, गा रहा है, वह सभी वर्तमान काल में गिने जाएंगे। अब तीसरा अंतिम अपना जो काल है वह है जो अपना भविष्य काल, ठीक है ना। तो भविष्य काल के लिए अपन समझेंगे, तो भविष्य काल किसे मानेंगे? भविष्य काल में जैसे कृष्ण पुस्तक, कृष्ण पुस्तक पढ़ेगा, ठीक है ना, कृष्ण पुस्तक पढ़ेगा, यानी वो आने वाले समय में करेगा, ठीक है ना, जाएगा, खाएगा, पिएगा, आएगा, ठीक है ना, और करेगा, ये सभी इसमें आएंगे भविष्य काल में। तो कृष्ण पुस्तक पढ़ेगा, यानी आने वाले समय में करेगा, अभी हो नहीं रहा है, हो चुका भी नहीं, वो करेगा, इसलिए उसके भविष्य काल में उसको गिनेंगे, भविष्य में वो काम होने वाला है, आने वाले समय में होने वाला है, इसलिए वो भविष्य काल में माना जाएगा। एक और उदाहरण समझेंगे अपन, गीता, गीत गाएगी, ठीक है ना, गीता भी गाएगी, तो गीता है वो गीत गाएगी, आने वाले समय में गाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने आज जो काल के बारे में पढ़ा, अपना जो कक्षा चतुर्थी में अध्याय क्रमांक 4 जिसमें तीन टॉपिक साथ में है, लिंग, वचन और काल, आज अपने काल के बारे में ठीक से समझने का प्रयत्न किया, उसकी काल का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके कितने भेद हैं, और भेदों की परिभाषा क्या क्या है और भेदों के उदाहरण क्या क्या हो चुके हैं, इसके बारे में हमने थोड़ा समझने का प्रयत्न किया। अब हमको जो सामने सेवन पे आपको काम दिख रहा है वहां हमको कक्षा कार्य करना है, क्या करना है, कक्षा कार्य में करना है, बात समझ में आई ना। ये जो सामने आपको सेवन पे काम दिख रहा है वो कक्षा कार्य में हमारी पाठ्य पुस्तक में लिखना है, और जो आपके ठीक प्रकार से यह समझ में आ जाए तो उसको ठीक प्रकार से समझ के, जब यदि हम परीक्षा दे रहे हैं और प्रश्न आ गया कि काल किसे कहते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही वहां परीक्षा में आपको ठीक प्रकार से लिखने का प्रयत्न करना है, ठीक प्रकार से लिखना है। काल का अर्थ आपको याद होना चाहिए, काल का अर्थ होता है समय, क्या होता है, समय, और काल किसे कह सकते हैं, क्रिया के किस रूप से उसके होने का समय मालूम हो, यानी क्रिया किस समय हो रही है उसे काल कहते हैं। फिर प्रश्न आ गया कि काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के कितने भेद होते हैं, पूछो, तीन होते हैं, कितने होते हैं, काल तीन प्रकार, काल के तीन प्रकार के भेद होते हैं, तो उनके नाम क्या क्या है, प्रश्न आ गया कि काल के भेदों के नाम लिखो, तो क्या लिखेंगे अपन, पहला है वो भूतकाल, दूसरा है वो वर्तमान काल,
तीसरा है वो भविष्य काल। और यदि प्रश्न आते हैं कि प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए, तो हमने समझा दिया भूतकाल यानी जो काम हो चुका है, ऐसे वाक्य हम भूतकाल में बना सकते हैं, जो काम हो रहा है ऐसे वाक्य हम वर्तमान काल में बना सकते हैं, जो काम होगा आने वाले समय में ऐसे वाक्य हम भविष्य काल में बना सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो आज हमने काल के बारे में पढ़ने का प्रयत्न किया। यदि आपको इसमें कोई समस्या है आप मुझे ठीक प्रकार से वापस पूछ के और इसके बारे में हम और आगे पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। जैसे इसके प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं, कैसे प्रश्न बन के आ सकते हैं परीक्षा में, ठीक है ना, तो इसके बारे में अपन इसके आगे और प्रयत्न करेंगे और आपको मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और हमको किस उन प्रश्नों को उत्तर कैसे देने हैं। ठीक है ना, अभी हमको इतना मोटा मोटा ध्यान में होना चाहिए कि काल का अर्थ, काल की परिभाषा, काल के भेद और भेदों की परिभाषा और भेदों के उदाहरण, इतना हम सबने आज समझने का प्रयत्न किया। धन्यवाद।